हेलो दोस्तों, एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सूजी के हलवे की रेसिपी। देखिए कितना दानेदार हलवा बना है। और चले फिर बनाना शुरू करते हैं उसको। कढ़ाई हमने रख दी है गैस के ऊपर। तो फ्रेंड्स, आपको बता देती हूँ, हलवा बनाने के लिए एक नाप आपने रखना है। एक कटोरी अगर सूजी ली है तो एक कटोरी आपने चीनी लेनी है और एक कटोरी घी जो अभी हम डाल रहे हैं आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने जो देसी घी डाला था वो पिघल रहा है, आप देख सकते हैं कढ़ाई में घी पिघल जाएगा। तो हम फिर शुरुआत करेंगे हलवा बनाने के लिए। ये मेरी मम्मी की रेसिपी है, उनका अलग ढंग है हलवा बनाने का। तो घी पिघल चुका है तो उसमें हमने 6 हरी इलायचियां डाल दी हैं। मेरी मम्मी बहुत ज्यादा टेस्टी हलवा बनाती हैं और आप देख सकते हैं घी गर्म हो चुका है, इलायची भी हमने डाल दी थी। और अब हमने एक कटोरी सूजी डालनी है। तो कटोरी का माप ही हमने रखा हुआ है, वही सब लोग रखते हैं। एक ही कटोरी जो साइज की होगी उसी से आपने सब कुछ डालना है। तो इसको हम फ्राई कर लेते हैं सूजी को घी में। मेरी मम्मी के हाथ के सूजी के हलवे की सब लोग बहुत तारीफ करते हैं और सच में बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनता है वो। सूजी का हलवा बनाना भी एक आर्ट है। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखना सूजी जल ना जाए, अगर जल गई तो सारा हलवा बेकार हो जाएगा। और यहाँ पे सूजी के भुनने की खुशबू आ रही है, आप देख सकते हैं कलर भी चेंज हो चुका है। और यहाँ पे भूनते वक्त सूजी ने घी छोड़ना शुरू कर दिया, आप देख सकते हैं। तो इस टाइम हम डालेंगे नारियल कटा हुआ और सोगी, इसको भी इस वक्त हम फ्राई कर लेंगे इसमें। तो इस ढंग से जब आप नारियल और सोगी डालते हैं उसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है, क्योंकि वो फ्राई हो जाएगा हमारी सूजी और घी में अच्छे ढंग से। और अब हम इसमें ऐड करेंगे एक कटोरी चीनी। और अब हम इसमें डालेंगे पानी, ये 3.5 कटोरी पानी लिया था हमने, इसको उबाल लिया था, वही डालना है आपने इसमें। इसी टाइम मुझे हलवे की खुशबू आना शुरू हो गई है, हलवा बन ही रहा है, बन ही गया ऑलमोस्ट। फ्रेंड्स, ये मेरी मम्मी की रेसिपी है, मैं भी बहुत अच्छा हलवा बनाती हूँ, वो रेसिपी भी आपसे शेयर करूंगी मैं। वो रेसिपी अलग है लेकिन मैं भी बहुत अच्छा हलवा बनाती हूँ फ्रेंड्स। सूजी का हलवा जल्दी ही पक जाता है, जल्दी ही ये बन जाएगा फ्रेंड्स। हलवा गरम गरम ही खाने का मजा आता है, तो मैं वेट कर रही हूँ, जैसे बन जाएगा वैसे ही हम इसको खाएंगे, एंजॉय करेंगे। दोस्तों, हलवे के साथ हम पूरी भी बनाएंगे, हलवा और पूरी खाने का बहुत ही मजा आता है। दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताएं किसको किसको हलवा पूड़ी खाना पसंद है, मेरी तरह मुझे भी पता चले। बहुत ही ज्यादा टेस्टी यमी हलवा तैयार होने वाला है। तो फ्रेंड्स, अब आप इन स्टेप्स को फॉलो करके ऐसा टेस्टी हलवा बना सकते हैं दानेदार। तो जो मेजर आपको हमने बताया है कटोरी का माप, अगर आप वैसे हलवा बनाएंगे और एक कटोरी सूजी, एक कटोरी चीनी और एक कटोरी घी लेना है तो हलवा बहुत ही टेस्टी बनेगा, परफेक्ट बनेगा। और दोस्तों, यहाँ पे हमारा हलवा बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। हमने इसमें सिर्फ सोगी और नारियल ही ऐड किया है, आप चाहे तो और भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं, मुझे नारियल ही और सोगी ही पसंद है सिर्फ हलवे में। अब आप हलवे को सर्व कर सकते हैं, सर्व करते टाइम कटोरी में ऊपर से घी भी डाल देना, एक चम्मच, हलवा और भी टेस्टी हो जाएगा। ना भी डालें तो चलेगा, हमने देसी घी में ही हलवा बनाया हुआ है। उम्मीद है दोस्तों आज की रेसिपी आपको पसंद आई है, साथ में हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले फ्रेंड्स। और अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए।